Good morning. Is I'm audible? Yes, ma'am. Please carry on. Good morning, everyone. It is my pleasure to welcome you all to our Khelo India e-Pathshala online athlete coaching and education program for kayaking and canoeing intermediate level athletes, which is organized by jointly organized by Sports Authority of India and Indian Kayaking Canoeing Association, and hosted by Sports Authority of India National Center of Excellence, Alappi. Now we are very glad to have with us our today's guest, Mr. Mahesh Vishwakarma, Chief Coach, Central Water Sports Team, SSP Academy, Bhopal, and ITO NTO IKCA. I welcome you, sir, and now I invite you for a few words. Hello. Hanji, sir. Good morning, sir. Welcome. Good morning. मैं महेश विश्वकर्मा, चीफ कोच एसएसबी सेंट्रल वाटर स्पोर्ट्स टीम. मैं आप सभी को सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद करता हूं. और इसी के साथ में आईकेसीए के जनरल सेक्रेटरी श्री प्रशांत कुशवाहा जी और आईकेसीए परिवार तथा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं. आप दोनों के सहयोग से खेलों को बढ़ावा देने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में इस खेल में देश को मेडल दिलाने के लिए ऑनलाइन एथलीट्स कोचिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम की मुहिम चलाई गई है, जो कि बहुत ही कारगर साबित हो रही है. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि COVID-19 के चलते हुए हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रहा है. पर इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईकेसीए के माध्यम से ई पाठशाला खेलो इंडिया की जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, इससे खेल और खिलाड़ियों को दोनों को बहुत ही ज़्यादा फायदे मिल रहे हैं. क्योंकि अभी जितने भी स्पोर्ट्स हैं या बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लॉकडाउन चल रहे हैं शहरों में, देशों में, जिस वजह से खिलाड़ियों को स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है. अगर खिलाड़ियों को स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन क्लासेस जो चलाई हैं, इसके माध्यम से खिलाड़ियों को, इस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा फायदे और बेनिफिट मिल रहे हैं. वो घर पर रह करके जो हमारे इन क्लासेस के एक्सपर्ट आते हैं, वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करवाते हैं. जैसे कि किसी भी टॉपिक को लेकर के क्लास चलाई जाती है तो पहले उस चीज़ के बारे में बताया जाता है, फिर उसको प्रैक्टिकली किया जाता है, जिससे खिलाड़ियों को पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है. और जब एक COVID-19 जैसी महामारी से अपना देश और पूरी दुनिया निजात पाएगा, तब जब खिलाड़ी अपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग में जाएंगे तो उन खिलाड़ियों को इन क्लासेस का बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा उनके परफॉर्मेंस को अप करने के लिए. जब तक हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है तो हम उस कार्य को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं. लेकिन आज के समय में ये जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं खेलो इंडिया की ई पाठशाला ऐसी, जिसमें खिलाड़ियों को अभी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो गया है कि हम कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं, इस वर्कआउट को करने से हमारा कौन सा स्किल डेवलप होगा और किस पर्पस से हम ये कर रहे हैं, जो कि हमें अपने परफॉर्मेंस को अप करने के लिए ये कारगर साबित. जब खिलाड़ी कोच के द्वारा वर्कआउट दिया जाएगा और वो उसको करेंगे तो
कौन है, वो चीज ये क्लासेस जो अटेंड कर रहे हैं उनको उस टाइम पर इन क्लासेस की याद आएगी और वो सब चीजें वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सभी पूरे भारतवर्ष के जितने भी इस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप भी घर पर रह करके इतनी महत्वपूर्ण जो क्लासेस चलाई जा रही हैं खेलो इंडिया की ई पाठशाला में, आप लोग इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस ना करें। आप मैम मे बी ड्यू टू बैड नेटवर्क। थैंक यू सो मच सर। सर इज लेफ्ट नाउ। Now we will move towards the Kiran ma'am, program. Kiran ma'am, one second, we can wait. Oh, yeah. Please sir, carry on sir. जी, तो मैं यही खिलाड़ियों को बता रहा था कि इतनी महत्वपूर्ण क्लासेस आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप लोग मिस करते हैं तो आप लोग अपने भविष्य में बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो शायद उन सब चीज़ों का हमें इतना नॉलेज नहीं हो पाता है। और आज देखा जाए तो ये खेल 10 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारतीय कैरिंग के अनुयंग संघ की और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। आप दोनों के सहयोग और दोनों के गठबंधन से ये खेल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और मैं एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं IKCA और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और उनसे प्रार्थना करता हूं इस खेल से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sparing our time and giving the valuable suggestions to our upcoming athletes. Thank you so much, sir. Now, welcome. Let's move further towards our program. Now, I humbly welcome and invite our today's expert coach, Mr. L. Jayanta Kumar Singh, ICF ITO Level 3 Expert Coach, ex-Master Chief Petty Officer, Indian Navy. Good morning, sir, and I welcome you. And now, invite you for the introduction. Good morning, ma'am, and good morning, Mahesh Viswakarma ji. Good morning, Director NCOE and Venkateshwara Reddy sir, and all the panelists, respected coaches and participants. As हमारा जो training program है, online training program आगे बढ़ते हुए मेन आज का जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखते हुए हम कार्य शुरू करते हैं। स्क्रीन में आप देखिए, स्क्रीन में शेयर किया हुआ है आज का जो मेन वर्कआउट है, स्पेसिफिक एंड्योरेंस 12 मिनट का है। 12 मिनट का दो सेट बनाया गया है। फर्स्ट सेट में केनो वाले करेंगे 1 मिनट में 30 स्ट्रोक और कायाक वाले 60 स्ट्रोक पर मिनट, ऑलमोस्ट डबल है। रिदमिक करेंगे आप हर एक मिनट पे 30 और कैन वाले 30, क्या वाले 60 स्ट्रोक। ये कार्य करते हुए आपको टेक्निक के ऊपर ध्यान देना है। मेन मकसद हमारा ये है कि आपको कंटिन्यूस लो इंटेंसिटी स्ट्रोक रेट में, लो स्ट्रोक रेट में कंटिन्यूस करते हुए आपको टेक्निक को परफेक्शन में लाना है। तो आपको इसमें ना रेट बढ़ाना है ना आपको रिदम इंक्रीज करना है, हर स्ट्रोक पे आपको ध्यान देना है। आज का जो टेक्निक का पार्ट है थ्योरेटिकली जो हम आपको करवाएंगे उसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये लॉक ब्लेड में लॉक कल आपको कराया था सेटअप कैसे करें और ब्लेक में लॉक कैसे करें। आज का पार्ट हम थ्योरेटिकली आपको वीडियो के साथ दिखाएंगे कि ब्लेड जो एक पार्ट है टेक्निक का पार्ट है आपको लॉक कैसे करें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे आज, ठीक है। तो
इससे पहले भी हमने आपको केनो क्या के टेक्निक के बारे में, बॉडी पोस्चर के बारे में, हाथ कैसे रखना है, हर कोशिश बताते आ रहे हैं और वही चीज आपको यहाँ फॉलो करना है। ठीक है, थोड़ा एडवांस में जाते हुए स्ट्रोक को हम यहाँ डिवाइड करते हुए आपको आपको बताने जा रहे हैं कि स्ट्रोक के अंदर ये लॉक कैसे, ब्लेड को लॉक कैसे किया जाता है एक स्ट्रोक के अंदर, चाहे वो केनो हो या कयाक हो। दिस थ्योरी एंड दिस टेक्निक इज अप्लाइकेबल टू ऑल। ओके, हाँ प्ले कीजिए को सब। जो आप टेक्निक करते हैं तो हमेशा ध्यान देना है अपने बॉडी पार्ट जो है उसको मैक्सिमम इस्तेमाल करें, उनका सही संतुलन बनाए रखें। द वाटर इज नॉट इज से फेमला, वीडियो से ठीक से नहीं चल रहा है तो भी आप कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुन रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। वाटर इज नॉट सच ए सिमिलर एनवायरमेंट फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज, देयरफॉर द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इफिशियंट इंटरेक्शन विद द वाटर टू प्रोपेल द बॉडी इज एन इनिशियल पॉइंट इन टीचिंग कैनोइंग टेक्निक। जो पानी जो है ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए फेमिलियर नहीं है। ठीक है, जैसे हम साधारण जो चलते हैं हम पानी के साथ जुड़े हुए नहीं रहता है, मगर हम लोग स्पेशलाइज होते हैं पानी में काम करने है हमें, तो पानी के बारे में हाइड्रोडायनामिक्स रहता है, हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं। अगर हवा में उड़ता है, हवा के साथ रहेगा तो एरोडायनामिक्स होता है। उस तरह आपको हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में और बोध को कैसे इस्तेमाल और अपने बारे में, ये तीनों चीज़ों का कम्बाइनेशन के बारे में जानना जरूरी है। टेक्निक को अच्छा आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मिलने के लिए, आपकी बॉडी को इस्तेमाल करने के लिए, बोध का रेजिस्टेंस कम करने के लिए, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, आपको ज्ञात होना बहुत जरूरी है। चलिए को साहब, अंग्रेज को साहब, एम आई ऑडिबल? जी सर, यू आर ऑडिबल सर। नेक्स्ट, ठीक है सर, अगर वीडियो नहीं चल रहा है तो आई एम प्लेइंग इट लाइक पीपीटी। कोई बात नहीं, स्लाइड की तरह भी ले सकते। ठीक है, ओके। लॉक द ब्लेड इन द वाटर, पानी को पानी में लॉक करना, पानी में ब्लेड लॉक करो। हम आपको टेक्निक करते हुए बताता है कैसे करो, लॉक करो ब्लेड को, लॉक करो। हम किस लिए बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि टू मेक इट स्टे इन द सेम प्लेस, जहां आपने कैच किया, जहां पानी में ब्लेड एंटर किया, वहां आपका स्ट्रोक जो है खड़ा होना चाहिए। स्ट्रोक पीछे नहीं जाएगा, वहां रह जाएगा, आपका जो पैदल है वह पानी में फिक्स हो जाएगा। ड्यूरिंग द स्ट्रोक टू यूज इट टू प्रोपेल द बोट, बोट को आगे खींचने के लिए, ना कि आप जब मारते समय, आपको पिछले क्लास में बताया था कि आप पे हाथ पुश कर देगा सामने वाला, तो आपका कैच जो है वो इनइफेक्टिव रहेगा। एक एंगल पे काम करते हैं, ठीक है, आगे भी वीडियो में दिखेगा, एक एंगल पे काम करते हैं। रतन सिंह, आप बाद में पूछिए, आपको मौका मिल जाएगा, अभी 20 में मत पूछो, ठीक है, आपको मौका मिलेगा पूछने के लिए। ठीक है, स्टे इन द सेम प्लेस, तो बोट को आगे खींचना है। हमारा जो मकसद है ब्लेड को लॉक करने का, मतलब हम ट्राई क्यों कराते हैं, क्योंकि उसको पानी में फंसाते हुए हमें बोट को आगे पुल करना है। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान देना चाहिए, हम पेलिंग जो कर रहे हैं ये बोट को आगे जाने के लिए, इसको ब्लेड को खींचना नहीं है, ब्लेड को पीछे खींचना नहीं है, ब्लेड को वहां फिक्स करके हमें आगे करना है। उसके लिए हम किस तरह टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ब्लेड स्लिपिंग इन द वाटर बैकवर्ड्स और साइडवाइज ड्यूरिंग द स्ट्रोक मेक इट लेस इफिशियंट। इसका मतलब ये कि जो ब्लेड है, अगर जहां आपने डाला वहां खड़ा नहीं हुआ, वो पीछे स्लिप होके आ गया, या आपका ब्लेड का डालने का एंगल सही नहीं है, फेस का ब्लेड का जो फ्लेस है उसका डालने का एंगल सही नहीं है, तो साइड में स्लिप हो जाएगा, ठीक है, वाइड चला जाएगा, इसका भी एंगल रहता है, तो आपका इफिशियंसी, जो आपने ताकत लगा रहे हैं उसका उतना फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। आगे जाएगा सब, ठीक है, द प्रॉपरली लॉक पैदल ब्लेड एंटर्स एंड कम्स आउट ऑफ द वाटर इन द सेम प्लेस। ये कहने के मतलब जब आपने जो पैदल डाला जहां कैच के लिए एंटर हुआ और पूरा फुली समर्स हो जाता है ब्लेड, ठीक है, कैच से लेके पूरा समर्स हो जाता है, समर्स में पूरा डूब जाता है ब्लेड, तो आपके हाथ के बराबर आ जाता है, तो वहां फिक्स रहेगा, वहां से वहां एंटर जहां होता है वहां से ही अप आएगा, मतलब जब आप बहुत आगे चला जाएगा और वहां से ब्लेड उठाएगा, ना कि ब्लेड पीछे आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसमें आज वीडियो पसंद है।
top athletes are able to do it at any speed up to the all out efforts. Ye Olympic ke to winner hai Great Britain ka. तो इसमें क्या है देखो ये लोग बहुत फास्ट स्पीड में चला रहे हैं ठीक है स्लो मोशन में चलाए जा रहा है इसमें देखो ये लोग कहाँ एंटर कर रहे हैं पैदल और कहाँ निकाल रहे हैं इसमें पॉइंटेड आउट करके दिखाएगा आपको देखो स्लो मोशन में आ रहा है देखो जहाँ एंटर है देखो ब्रेथ वहां का रेड एरो से दिखाया गया है देखो जहां एंटर है वही फिक्स है बस बहुत आगे चला गया तो ये बहुत स्पीड पे चलाया हुआ है ये एडम मैक्यूवर से ये भी केवन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है इतने बहुत फास्ट चलाते हैं मगर आप स्लो करके देखोगे तो यहाँ इन्होंने जो पैदल डाला है वही उस जगह रुक जाता है पैदल ठहर जाता है और बहुत आगे निकल जाते हैं ठीक है दिखाएंगे उनके बारे में भी स्लो मोशन में आ रहा है माइक्रो सेकेंड्स में स्लो करके दिखा रहे हैं एक स्ट्रोक को देखो जहां डाला है वही रुक गया तो पैदल फिक्स हो जाते हैं तो इसको हाइड्रोडायनामिक बेस ऑफ लॉग एंड ऑर्थोडॉक्स हाइड्रोडायनामिक्स बेस इसलिए मैंने पहले आपको एक पहले शुरू होने से पहले बताया था कि हाइड्रोडायनामिक्स इसके साथ पानी के साथ क्या जुड़ाव है उसके बारे में बता रहे एंड ऑर्थोडॉक्स अप्रोच टू कैनोइंग टेक्निक कंसीडर्स ओनली हाइड्रोडायनामिक फ्रंट रेजिस्टेंस टू द ब्लेड मूवमेंट्स बैकवर्ड एज ए सपोर्ट टू मूव द बोट फॉरवर्ड तो पहले क्या होता था ये हम पहले सोचते थे कि पानी का जो 1970 के आसपास उसके बाद ही ये ऊपर आया था पहले सोचता था कि पानी का जो हमारा बोट का जो रोक है सामने वाला रेजिस्टेंस में ज्यादा रहता है ठीक है और क्योंकि और ब्लेड का जो मूवमेंट है पीछे आता है ठीक है इसलिए फास्ट फास्ट मारने की कोशिश करते थे मगर एक स्टडी के बाद हमें पता चला कि बोट ब्लेड जो है उधर ही रहता है और बहुत आगे निकलना है ठीक है आगे बढ़ाइए तो पहले हम लोग पहले सोचते थे ठीक है कैनोइंग में कि ये पैदल कैसे भी मारो एंगल कोई फिक्स टेक्निक हम निकाल नहीं पाते थे तो दिस अप्रोच रॉन्गली अंडरस्टैंड्स द बैकवर्ड्स ब्लेड शिफ्ट इन द वाटर एज एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द पैडलिंग टेक्निक तो वैसे मैंने बताया जो ब्लेड जो है हम पहले उसे पहले आप पुराना टेक्निक देखोगे बुक्स वगैरह उसमें क्या होता था कि ब्लेड जो है पानी में अंतर होता है और एंगल धीरे 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 चेंज होके ब्लेड साइड से पीछे की तरफ हिप के पास निकल जाता है ये रॉन्गली हम सोचते थे मगर रशिया का एक्सपोर्ट साइंटिस्ट है उन्होंने रिसर्च किया था उसके बाद पता चला कि ब्लेड जो है जहां डालता है वही फिक्स होना चाहिए ठीक है और आगे बोट को आगे निकलना है उसको निकालने के लिए ब्लेड को फिक्स करके बॉडी को एक पाइवट की तरह यूज करके उसको आगे निकलना है स्लाइड में आ गया देखिए हाउएवर रिसर्च कंडक्टेड बाय व्लादिमीर बिनसुरिन रशिया 1970 सो दैट ड्यूरिंग द स्ट्रोक द ब्लेड इज कंप्लीटिंग सम सॉर्ट ऑफ इलिप्सॉइड ट्रैजेक्टरी कमिंग आउट ऑफ द वाटर नियरली इन द सेम प्लेस टू द केज तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि ब्लेड जो है एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है जैसे उर के जो नीचे आता है उस तरह एंगल एक रोटेशन पूरा करता है जहां एंटर हुआ वहां से ही ऑलमोस्ट उसी जगह से ब्लेड निकला हुआ होता है ठीक है तो इसका आपके पैदल लेंथ से भी मतलब यूज करते हो उसका भी फर्क पड़ता है ठीक है ही डिस्क्राइब दिस मूवमेंट कंप्राइजिंग ऑफ फोर फेजेस उन्होंने क्या किया चार हिस्सा में इसको बताया गया है नंबर वन में मूवमेंट डाउन फॉरवर्ड एस केस मूवमेंट डाउन मीन्स आपका जो पैदल है अपर हैंड से केस करने के लिए बोलता है हमेशा पिछले वीडियो में बताया था सेटअप करके जब डालेगा तो आपका जो स्ट्रोक है पुल से पहले एक डाउन मूवमेंट आएगा डाउन मूवमेंट में सपोर्ट को क्या करता है अपर हैंड जो है वो सपोर्ट करता है ठीक है तो मूवमेंट डाउन फॉरवर्ड कैच रिच भी होना है और आपको कैच करना है उस जगह मूवमेंट पैदल डाउन आएगा और फॉरवर्ड कैच नंबर टू में मूवमेंट डाउन बैकवर्ड एज पुल बैकवर्ड एज पुल इसलिए बोल रहा है कि जैसे आप मूवमेंट तो डाउन हो गया पानी में जैसे पैदल का टिप टच हुआ और पूरा फुली समर्स करना है उस समय क्या होता है मूवमेंट डाउन एंड बैकवर्ड पुल का ये जो पार्ट है उस समय आता है देन मूवमेंट अप बैकवर्ड एस पुश मूवमेंट अप उसके बाद क्या है पाइवट की तरह जहां से जैसे पैदल फिक्स हो गया वो हमारा बॉडी जो है आपको कैसे फील होना चाहिए बोट चलाते हुए जैसे ब्लेड लॉक हो गया कैनो हो या कायाक उसके बाद आपको उस लॉक के साथ आपको आपका बॉडी उठ रहा है जब आप पुल करेंगे तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपने जहाँ पावर
पावर कहाँ से शुरू होगा? लेग से, फुट प्रेस में, उसका भी अलग पार्ट आएगा, अभी मैं बता देता हूँ। जैसे फुट प्रेस में आपका पावर जनरेट हुआ, नीज में आया, थाई की तरह थाई पहुंचा, हिप की तरह स्विंग हुआ, हिप के बाद अपर बॉडी जो है आपका टॉर्सो स्विंग हुआ, टॉर्सो के साथ आपका शोल्डर लॉक है, शोल्डर में लॉक हुआ, शोल्डर के बाद हाथ का कनेक्शन, पैदल तो वहाँ फिक्स है। इस फीलिंग को महसूस होते हैं आपका बहुत जो है आगे मूव करना है, उस समय क्या होगा आपको ऊपर ऊपर उतरा है, जैसे आपके सिर से ऊपर उतरा है, उस तरह फीलिंग होना है। आपने अच्छे से जो अच्छे खिलाड़ियों को देखेंगे और हमारे जो टॉप एथलेट्स है वो उस मोशन में करते हुए हमने देखे है, उनको महसूस भी होते हैं कि आपका जब चलाते हो आपको फुल होना चाहिए कि आप मूवमेंट अप की तरह ऊपर की तरफ आप उतरा है, जम करके निकल रहे हो। जब आप बोट की तरह बोट से उतरा है उस तरह महसूस होगा तो आपको पीछे जाओ को सब एक पॉइंट रह गया, तो वो फीलिंग होना चाहिए कि आप उतरा है। नंबर चौथा, नंबर चार में क्या है, कनेक्टेड है ये, अलग अलग तोता नहीं है, कंटिन्यू है, इसलिए लिखा हुआ है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 मूवमेंट अपवर्ड्स एंड एक्सट्रैक्शन। उसके बाद अपवर्ड आने के बाद फिर एक्सट्रैक बन रहा है, एक्सट्रैक होता है उस मोशन से फिर टूटता है, ठीक है, कैसे निकलता है वो बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। शिप फॉरवर्ड हैपेंस बिकॉज द ब्लेड ऑलवेज इज ओरिएंटेड विद सम एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट इन द वाटर एंड कंसिक्वेंटली इज अफेक्टेड बाय टू फोर्सेस। जो आगे जो शिफ्ट होता है, हमारा जो मूवमेंट शिफ्ट होता है वो एक ब्लेड के एंगल की वजह से होता है, टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट इन द वाटर। ब्लेड का एंगल जो है, आपने ब्लेड डाला, आपने 90 डिग्री डाला, हल्का सा 85, 70, 75 किस एंगल से डाला, ठीक है, कयाक और कैनो में थोड़ा एंगल का डिफरेंस है, तो उसकी वजह उसकी हिसाब से आप बोट में इफेक्ट पड़ता है। दो हिस्से में, हाइड्रोडायनामिक फ्रंट रेजिस्टेंस, आपका जो फ्रंट हाइड्रोडायनामिक फ्रंट रेजिस्टेंस, ब्लेड जब डालेंगे तो ब्लेड का जो आपको तरफ फेस हो रहा है वो फ्रंट रेजिस्टेंस है, साइड वाइज डायरेक्शन लिफ्टिंग द फोर्स। उसके बाद साइड वाइज डायरेक्शन जब आप डालेंगे ये, तो आप क्रो होता है ना, जो लॉक होता है उसकी तरह काम करता है ये फिजिक्स आ जाता है इसमें, तो लिफ्टिंग फोर्स जो है, उसके बाद आप डाउनवर्ड जब पुश करोगे तो उसका लिफ्टिंग फोर्स जो आपका बोथ है बाउंसी रहता है उसका लिफ्टिंग फोर्स, ये दोनों अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो लिफ्टिंग फोर्स जैसे मैंने पहले बता दिया, लिफ्टिंग फोर्स में आपको कैसे महसूस होना चाहिए, ब्लेड लॉक किया और वो लिफ्टिंग फोर्स मीन्स जब दबाएंगे तो आपको उसका एवरी एक्शन हैज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, जो आप डालोगे उसका आपको रिएक्शन करना है, तो बॉडी पूरा बॉडी के पावर डालोगे, कनेक्टेड रखो, पावर साइकिल बोलते हैं उसको, और पावर सर्कल जो है बॉडी को लॉक करके रखोगे तो ये फीलिंग आएगा आपको। लिफ्टिंग फोर्स इज रियली रिकॉग्नाइज इन कैनोइंग प्रैक्टिस, कैनोइंग में इसको जब आप एडवांस में नहीं पहुंचते हैं तो ये आपको रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते आप लोग, जिसको ट्रेनिंग के साथ साथ पाउज, आप लोगों को पाउज थ्रो कराते हैं ना हम लोग, सभी कराता है, सभी आप लोग कोई भी कैकिंग कैनोइंग करता होगा, कोच आपको बोलता ही होगा कि थोड़ा 5-6 महीने होने के बाद या आपका 1 साल होने के बाद आपको करवाता होगा। पाउस क्यों कराते हैं? उसको फील कराने के लिए कराते हैं, ठीक है, बट इट इज वेल नोन इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ये तो साधारण भाषा है कि कैनोइंग में तो ज्यादा यूज नहीं होता लिफ्टिंग फोर्स, मगर इंजीनियरिंग वगैरह जो करते हैं उनको पढ़ाया जाता है। इट इज कॉल्ड दिस वे बिकॉज इट इज वाइडली यूज टू मेंटेन द एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर। एरोप्लेन जो है, क्योंकि लिफ्टिंग फोर्स होता है, एरोडायनामिक्स आता है इसमें बहुत सारा, तो इसीलिए लिफ्टिंग फोर्स इस्तेमाल होते हैं, हमारे में इस्तेमाल नहीं होते। वो आपको जानने के लिए क्या क्या साइंस का जो फिजिक्स हमारे साथ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है वो बताने के लिए आपको यह बताया। नेक्स्ट, जितना आपको ये साइंस के बारे में, अपने बॉडी के बारे में जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पैदल के बारे में, कौन सा रेजिस्टेंस है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, सांप में कितना बेंड हो सकता है, वो सब जानोगे तो आपको फायदा मिलेगा उसका परफॉर्मेंस में। ओके, इसमें लिखा हुआ है, देखो, लिफ्टिंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंस ऑफ द स्पीड विद फ्लूइड फ्लो अराउंड द ऑपोजिट सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेन विंग और पैदल ब्लेड इन दिस केस एस ए बर्नौली प्रिंसिपल। लिफ्टिंग फोर्स जो है किसके ऊपर ये अप्लाई होता है, जो प्लेन में आता है, प्लेन का विंग्स होता है, वो उसमें जो टकराएगा, जो हवा आएगा उसके बारे में बता रहे हैं। जो हवा आएगी, लिफ्टिंग फोर्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द विद इन द फ्लूइड फ्लो
अराउंड टू अपोजिट स्पेस, जो फ्लूइड होता है हवा का जो फ्लूइड है उस तरह, जैसे एक ऊपर आया ऊपर की तरफ आता है, एक अपोजिट साइड आता है और एक सामने जाने की कोशिश करता है, और सामने से जो हवा आ रहा है उसके दोनों के वजह से ये लिफ्टिंग फोर्स होता है। सो प्लेन्स का विंग्स जो है उस तरह बनाया गया है कि आपका जो ये लिफ्टिंग फोर्स जो है जेनरेट करे, ठीक है। इसमें जूम करके देखेगा तो देखो तो फास्टर स्पीड होता है तो लेस प्रेशर मिलेगा, स्लोअर स्पीड मिलता है तो हायर प्रेशर मिलेगा, ठीक है। तो उसके जरिए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है प्लेन्स का विंग जो है नीचे की तरफ दबाता है तो ऊपर की तरफ फ्लाई होने लगता है। तो उस तरह आप जब पैदल डालते हैं, सामने से आपने जोर से डाला, आपके पैदल जैसे लॉक हुआ तो पैदल को दबा के रखना जरूरी है ताकि हमें वो जो लिफ्टिंग फोर्स मिले, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए इसको किस तरह अपने पैडलिंग के साथ जुड़े। लिफ्टिंग फोर्स डिक्रीज एंड डिसअपीयर्स व्हेन एन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ अटैक बिकम्स टू वीक, ठीक है, एंड स्टार्ट्स क्रिएटिंग टर्बुलेंस ऑन द बैक सरफेस। लिफ्टिंग फोर्स कैसे खत्म हो जाता है, जब आपका जो पैदल जो है एंगल जो है ज्यादा होने लगता है, मतलब केट्स के साथ, केट्स जब डालता है आपके एंगल जो है 45, हम बोलते हैं कि 45 कम से कम 60 से नीचे कम करने की कोशिश करो, है ना, एंगल डालने की कोशिश करो। जैसे जैसे एंगल ज्यादा होना मतलब जैसे आप पुलिंग फेज में 90 डिग्री के आसपास आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है आपका लिफ्टिंग फोर्स जो है वह कम होने लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में क्या होगा, 90 डिग्री से जैसे निकलेगा, ठीक है, पावर सब मैक्सिमम ज्यादा उससे निकलेगा तो पानी में क्या है टर्बुलेंस मींस बहुत सारे बबल्स वगैरह निकलते हैं ना, बबल्स निकलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बबल्स निकलता है। नो, कम से कम बबल निकले तो आपके ब्लेड जो है समझ लो लंबा ब्लेड पकड़ोगे तो क्या होगा, आपने देखा होगा बहुत कम बबल्स निकलेगा, ब्लेड अंदर अच्छा सा फंसेगा, ठीक है, थोड़ा लंबा पैदल पकड़ेगा तो ये है कि हाँ, तो आपके बबल्स जो है वो ज्यादा, बबल्स कितना निकलता है, किस तरह बबल टर्बुलेंस जितना एक गोल गोल घूमने वाला वो एक निकलता है जब आप पैडलिंग करते हैं तो उसके ऊपर उसका असर पड़ता है स्पीड में, ठीक है। लिफ्टिंग फोर्स डिक्रीज एंड यही बताया मैंने, हो रहा था, हाँ बता दिया, ओके। फ्रंट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, फ्रंट रेजिस्टेंस ब्रेक का जो फ्रंट रेजिस्टेंस है वो अपवर्ड सामने की तरफ ऊपर की तरफ डायरेक्शन रहता है, रेजिस्टिंग द प्लांटिंग द ब्लेड, ठीक है, क्योंकि जब पानी में ब्लेड आप सही से डालोगे तो उसको रेजिस्ट करता है ब्लेड को अंदर की तरफ घुसने से, जैसे आप पैदल में डालोगे पैदल जल्दी नहीं घुसता है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब आप फोल पानी से बोझ से गिरने वाला होता है तो आप क्या करता है, एक पैदल पानी में दबा देता है थक, तो फिर आप ऊपर आ जाता है तो एक रेजिस्टेंस महसूस होता है ना आपको, ये रेजिस्टेंस है। आप ब्लेड में अगर ब्लेड एक एंगल पे डालोगे तो एक रेजिस्ट करता है, उस तरह आप चाहे आप डिप आप पैदल को डाल रहे हो, टिप जब डालोगे और जब समर्स करोगे, क्योंकि हम कम एंगल में डाल रहे हैं फिर 60 डिग्री से नीचे डाल रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस आपको महसूस होगा, 90 डिग्री डालोगे तो तुरंत जाएगा, मगर आप एंगल हम कम डिग्री में डालवाते हैं तो आपको वो रेजिस्टेंस महसूस होगा। ओके, एंड लिफ्टिंग फोर्स इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड, ठीक है, लिफ्टिंग फोर्स जो है हम उसके वजह से क्या होगा, हमारा जो डायरेक्शन है हमारा बोथ का डायरेक्शन जो है वो आगे जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, इन दिस केस इन डिफरेंस विद द प्लेन विंग, ठीक है। तो प्लेन का जो विंग है उसका उसके साथ हमारा क्या फर्क है, क्योंकि हम पानी से जुड़े हुए हैं तो हमारा आगे जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका प्लेन में क्या हो जाता है ऊपर उड़ने लगता है, तो हम पानी से हमारे साथ बॉडी वेट है, हमारा ताकत भी उतना नहीं है और जितना फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो बता रहा था ना, हवा का जो फ्लो है उतना नहीं है कि हम उड़ सके, मगर उसकी वजह से आगे जाने में मदद करता है, उतना जो हमारा लगा रहा है ताकत उसकी वजह से आगे जाने में मदद करता है। कंबाइनेशन ऑफ दिस टू कंपोनेंट्स इज मेकिंग द इलिप्सॉइड ट्रैजेक्टरी ऑफ द ब्लेड मूवमेंट, ये दोनों जो है आपका जो नीचे जो हम रेजिस्टेंस जब पैदल डालेगा उसका रेजिस्टेंस और जो लिफ्टिंग फोर्स आगे जो उसकी वजह से ऊपर जो जा रहा है उसकी वजह से ब्लेड में जो एक ट्रैजेक्टरी मूवमेंट होता है, एक पेंडुलम की तरह सर्कल दिखाई देता है, ठीक है, ब्लेड का जो मूवमेंट है वो उसकी वजह से वो क्रिएट होता है, वो बनता है। जो नए नए जो जूनियर खिलाड़ी है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको एडाप्ट करना अभी तुरंत नहीं मिलेगा, आप इसको आपको आप बार बार पैडलिंग करोगे, जो अच्छे खिलाड़ी है उनको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है।
तुरंत नहीं आएगा, ये डेली आपको बार बार महसूस करना है, आपके कोचेस बार बार बताएगा आपको, बार बार आपको टेक्निक करते हुए ध्यान देने के लिए बताएगा, आप खुद ध्यान दोगे तो ये महसूस होगा। आगे आगे का यूज कीजिए, ध्यान दे बच्चों, ये मैंने नहीं बनाया है, ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कोच जो है उन्होंने ये अप्लाई करने के बाद यहाँ ये बनाया हुआ है, बस हमने कलेक्ट करके आपको दिखाया है ये, ठीक है? तो इसको ध्यान दो, ये अप्लाई किया हुआ है, ये अप्लाई करने की वजह से इनको सक्सेस भी मिला हुआ है। बी आईसोरिन जो रशियन कोच है, इन्होंने साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया बताया गया है, शोन दैट प्रोएक्टिव यूजेस ऑफ लिफ्टिंग फोर्स कैन मेक द पेडल रोटेट इन द सेम प्लेस इन द वाटर, व्हाट इज कॉल्ड इन कैनोइंग प्रैक्टिस एस लॉ, ठीक है? बाय इंसुलिन ने क्या बताया, प्रोएक्टिव यूजेस ऑफ लिफ्टिंग फोर्स। अब जी लिफ्टिंग फोर्स जो है, अभी इस जो अभी मैंने पहले बताया उस थ्योरी को आप ठीक से जानोगे तो उसके वजह से क्या होता है, कैन मेक द पेडल रोटेट इन द सेम प्लेस, पेडल जो है उसी जगह में फिक्स रहेगा और उसका एंगल जो है, एंगल बस चेंज होगा, जैसे एंट्री किया 45 डिग्री में, वो धीरे 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 जैसे बहुत मुक्त होता गया तो 60 में आ गया, 90 डिग्री में आ गया, है ना, 90 डिग्री में आ गया, देन अगेन 60 डिग्री में आ गया, देन अगेन 45 डिग्री में आ गया, उस तरह आपका बोध निकलता जा रहा है, इसमें दिखा रहा है, देखो आपका बोध निकलता जा रहा है और पैदल उधर ही है, जैसे इस एंगल भी देखिए अभी कितना एंगल है, ये 45 से भी कम है, 30 डिग्री के आसपास आ गया ये, ठीक है, लिफ्ट हो गया, एग्जिट हो रहा है। तो पैदल जो है जैसे डाला, पहले कम एंगल था, धीरे धीरे होके 90 डिग्री और धीरे 60 और अगेन उस एंगल पे आ रहे, वो जो रोटेशन है उसी जगह पे हो रहा है, ठीक है। लिफ्टिंग फोर्स शुड बी डेवलप पुशिंग द पेडल इन द वाटर बाय द एफर्ट ऑफ द टॉप हैंड। सबसे पहले मैंने बताया था एक ये बारीकी से धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े बता रहा हूँ, मगर इसमें क्या चीज है, टॉप हैंड का बहुत जरूरी है। टॉप हैंड मीन्स अपर वाला हाथ जो है वो फिक्स करने, पेंडुलम की तरह उस जगह को फिक्स करना है आपको, ये चेंज नहीं कराना है, तो टॉप हैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिफ्टिंग फोर्स शुड बी डेवलप पुशिंग द ब्लेड इन द वाटर बाय द एफर्ट ऑफ द टॉप हैंड। देखो अपर आपका जो ऊपर वाला हाथ है उसका रोल है, जब पैदल जैसे कैच होता है उसको फिक्स करने के लिए आपका अपर हैंड फिक्स होना जरूरी है जहाँ, तो आप लोग गलती कहाँ करता है इसमें, इसको फिक्स करने के जगह आप जैसे डालते हो सामने पुश करने लगते हो, अपर हैंड को पुश करने लगते हो, उसमें आपका एंगल चेंज हो जाएगा। तो आपको ये होना चाहिए कि जहाँ डालता है उधर फिक्स करने के लिए अपर हैंड को थोड़ा सा दबाए, ठीक है, अपने आई लेवल पे, ईयर लेवल पे आ गया और डालते हुए आई लेवल तक आपके पैदल अंदर आप घुसा दे, ठीक है, कैच करा दे। This effort should be a base for whole body movement forward around the blade. Pulling hand is moving forward too. ठीक है, इसमें एक step jump हुआ है। This force should be base for whole body movement. जैसे आपने catch डाला, catch डाल के pull किया, एक step चला गया, ठीक है, catch डाला और pull किया, हाँ pull किया। ठीक है, ये ना धर्मन है, ये ओलंपिक चैंपियन रहा है, ये भी वर्ल्ड चैंपियन रहा है, के 1000 मीटर इनका टाइम रिकॉर्ड भी था, ठीक है। तो जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी इसमें दिखा रहा है, तो क्या हो गया, आपको जो पुलिंग हैंड है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कहाँ फिक्स होना चाहिए, किस तरह रोते धोना चाहिए, वो सब आपका कनेक्शन है, ये बेस है कि यहाँ फिक्स हो गया, पैदल जैसे फिक्स हो गया उसके साथ आपका लेग फुट प्रेस से आपका पावर जनरेट हुआ, धीरे धीरे आपके हिप आया, रोटेट हुआ, जब रोटेट होगा तो पुलिंग हैंड को छोड़ के जो पुशिंग हैंड जो है अगेन वो रेडी हो गया नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए, ये सब एक कनेक्शन है, ठीक है, ये बता रहे ये बेस है। तो जो इसीलिए लोग जो है लोग जब लोग करेगा तो नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए भी रेडी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट द इजिएस्ट वे टू डेमोन्स्ट्रेट इट इन कैनो टेक्निक वेयर द एथलीट मस्ट हैंग ऑल बॉडी वेट ऑन द पेडल
थ्रू द टॉप है। ये जो हम मैं जो बता रहा हूँ ये केनो वालों के लिए इजी हो जाता है, केनो वालों के लिए, केनो वालों को समझ में इसको ज्यादा आएगा, क्योंकि जो लोग है बॉडी वेट भी डालता है, पूरा बॉडी वेट पैदल के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। इजीएस्ट वे टू डेमोंस्ट्रेट इन केनो टेक्निक, ठीक है, व्हाइल द एथलीट मस्ट हैंग ऑल बॉडी वेट ऑन द पैदल, पैदल में पूरा डाल देते हैं। अच्छे खिलाड़ी हम ये कर पाते हैं, आप उसमें आपको महीना साल लग जाएगा आपको ये महसूस करने के लिए, ठीक है। अच्छे पैदल में वे डालो, हम बताते हैं कोच, मगर आपका वो फीलिंग जो आप कब आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, तब आएगा। कैनोइंग में ये ऐसा नहीं है खड़ा होके बोट चलाना ही नहीं है, और भी है, ठीक है। मैक्सिमम उपलब्ध था पहले, पिछली बार जो पीछे जो दिखा रहा था, अभी अतिला बाजदा दिखाया, देखो टॉप एथलेट्स, द यूजिंग ऑफ द टॉप आर्म इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स बिगिनर शुड लर्न इन केनो टेक्निक। जब केनो सिखाते हैं या कयाक सिखाते हैं, आपको पाउस 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 कराते हैं, हम आप केम में भी आते हैं तो भी, तो सब आपको ये क्यों कराता है, ये पता है, वही ये अभी जो अनाउंस कर रहा है वही बोल रहा है कि आप शुरू शुरू में सबसे पहले ये सिखाया जाता है, ठीक है। दिखाइए वीडियो, दिखाई को सब, ये सब जूनियर है, ठीक है। कोच उनको बता रहे हैं, द लॉक कैन बी प्रोड्यूस बाय एनी पेडलर ऑफ एनी लेवल कंप्लीटिंग द टेक्निक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो लोग जो है, आप बिगिनर्स हो या आप सीनियर, सीनियर हो या आप बिगिनर्स हो, ये लोग आपको महसूस कराने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। द एथलीट इज स्टिल वर्किंग ऑन द लोग, जो अभी जूनियर है ये अभी भी काम कर रहे हैं उसको लोग अच्छा लोग हासिल करने के लिए, अच्छा लोग का महसूस कराने के लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। चला एक वो सब वीडियो चलाई स्क्रीन कर देंगे सर। ये देखिए इस वीडियो में बता रहे हैं, थोड़ा और चलेगा, कि ये अच्छा लोग दिखा रहा है, ये जो एथलेट है इनमें सारे में से इसका दिखा रहा है कि ये इसका अच्छा अच्छा लोग दिखा है, अच्छा लोग कर रहे हैं, पानी को पानी में पैदल अच्छा पकड़ रहा है। However, the role of the top hand in kayak technique is still often a matter of discussion. So, केनो के मुकाबले में कयाक में क्या होता है, टॉप हैंड का रोल जो है हमेशा हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि फास्ट मूवमेंट रहता है, सर्कलिंग भी है, पुश भी होता है, पुल एंड पुश दोनों साथ होता है, तो हमेशा कन्फ्यूजन में है, इसलिए और ज्यादा टेक्निकली कयाक के ऊपर जोर दिया जाता है। आगे चलाइए, water should be separated. Okay. इसमें टिप्स आ गया आपको करते हुए क्या करना है, आपको इसको प्रैक्टिस करते हुए लोक पानी में अच्छा ब्लेड को लो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। The top hand before start attacking the water should be settled up with paddles half pointed at the water. इसमें क्या आ गया, थोड़ा बैकवर्ड आ गया, इसका मतलब ये है कि कल जो बताया था, पिछली क्लास में जो बताया था, लोक से पहले क्या होता है सेटअप, तो ठीक है अच्छा सा आप पैदल को सेट करोगे, एंग डालने से पहले ब्लेड को अच्छा सा रोटेट करके बॉडी एटीट्यूड, बॉडी सर्कल पावर पूरा लो करके आप डालोगे, ठीक है। आपको बताया था कि टॉप हैंड ईयर पर ईयर विंग ईयर के पास आ जाएगा और ब्लेड जो है पानी को देखेगा, लुक डाउन द वाटर मीन्स थोड़ा सा झुकेगा, ये सब पोजिशन कैच करने से पहले आप सेटअप करोगे तो ये आपको एक अच्छा लुक मिलेगा। ये फर्स्ट नेक्स्ट टिप, तो आपको एक अच्छा सेटअप करना जरूरी है, ठीक है। द ब्लेड मूवमेंट बिफोर टच द वाटर शुड बी प्रोएक्टिव, बी फास्टर देन द वाटर फ्लो एंड कंप्लीटिंग एज डायनामिक कैच। इसका मतलब है कि जब आप डालेंगे तो डायनामिक कैच पावरफुल के साथ आप डालोगे, जो पानी में जो ब्लेड रहेगा, ठीक है, पानी में जो ब्लेड का फिक्स होके जो रुकता है उससे ज्यादा तेज आप डालोगे, डायनामिक डालोगे। इसका मतलब है, मैंने दो तीन सेशन पहले बताया था, एक स्ट्रोक को आप एक सेकेंड के अंदर डिवाइड करते हो तो कैच में 0.07, ओके, पुलिंग में 0.337, बाकी रिमेनिंग जो है एग्जिट में 0.0, जो पॉल आ गया था, तो बाकी जो रिमेनिंग है ईयर में रहेगा,
है ना, तो डिवाइड करोगे तो इसका मतलब है कि आपको फास्टर से फास्टर आपको कैच करना है, डायनामिक डालना है. नेक्स्ट, क्विक लॉकिंग मूवमेंट ऑफ द टॉप हैंड मस्ट स्लाइटली ओवरटेक द होल बॉडी रोटेशन इवन इट स्टार्ट फर्स्ट. तो क्विक लॉकिंग जो है आपको, आप जल्दी से जल्दी पानी में जो डालते अपर हैंड जो पुश करके लो, सॉरी कॉल आ रहा है बीच में, कट रहा है, ठीक है. टॉप हैंड मस्ट स्लाइटली ओवरटेक द होल बॉडी रोटेशन इवन इट स्टार्ट फर्स्ट, ठीक है. ये क्या करते हैं, लो करने से पहले, लो कर जब करते हैं तो आपको बॉडी पूरा टर्न होने से पहले, मतलब बॉडी पूरा अप्लाई होने से पहले अच्छा सा लो कर देना चाहिए, ये बता रहे हैं, ठीक है. जंप कर रहा है, ओके. तो हैन शुड बी स्ट्रॉन्ग बट पुश फॉरवर्ड ओनली एज पार्ट ऑफ द होल बॉडी रोटेशन अराउंड द ब्लेड, इट मस्ट नॉट ड्राइव फॉरवर्ड अलोन. इसका मतलब ये है, जैसे आपने पैदल लो कर दिया, हमने बताया कि अपर हैंड जो है फिक्स कर देना, लो कर देना, तो मगर उसके बाद आप अगर फास्ट देखोगे वीडियो तो हमेशा हम आपको सिखाते हैं कंटिन्यू मूवमेंट, आपको पैदलिंग जो है हम कंटिन्यू कराते हैं, है ना. जैसे जैसे पुल होता है तोभेन भी आगे जाता है. तो आप इसको ध्यान देना है कि जब तोभेन आगे जाएगा तो ये तोभेन जो जा रहा है किस वजह से जा रहा है, लॉक हो गया इधर, जब बॉडी का जो मूवमेंट है लॉक हो गया, आपका जो अपर बॉडी सोल्जर जो है, सोल्जर मूव है, तो ये सोल्जर ब्लेड, ठीक है. इसमें एडवांस टेक्निक में बताया जाता है कि हाथ आपका पूरा बॉडी और अपर हैंड का कनेक्शन, ये एक पावर सर्कल अलग है, ठीक है. आपका पैदल, आपका हाथ और आपका लेग, इसका पावर सर्कल अलग है, ठीक है ना. आपका लेग, आपका टॉर्सो, आपका हिप और आपका टॉर्सो, इसका पावर सर्कल अलग है. ये जो तीन पावर सर्कल है इसको मिला के आप घूमते, ये सब कनेक्शन होना है, वो फील होना है हर चीज आप पैदल डालोगे तो, ठीक है. तो उसका हिस्सा है ये जो पैदल जो आगे जा रहा है, आपका आपका जो अपर हैंड जो पुश करते हैं, हम सामने जो पुश करते हैं, करना जरूरी है, मगर उसके साथ इस रोटेशन के साथ उस मसल्स को फील करते हुए, उस मूवमेंट को फील करते हुए ही आपको पैदल को अपर हैंड को पुश करना है, ना कि खाली वो फील नहीं हुआ और पहले पुश कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ये बता रखे, ठीक है. नेक्स्ट टिप में, द ब्लेड शुड बी पुश इन एंड कंट्रोल बाय द टॉप हैंड, पुलिंग हैंड पुल्स ओनली, ठीक है. सेम है, इसमें क्या हो गया, जो बॉडी रोटेशन है वो कंट्रोल करेगा, अपर हैंड से टॉप हैंड से कंट्रोल होगा, पुलिंग हैंड से क्या होगा, वो तो लॉक है, ज्यादा आपको करना नहीं है, लॉक है, जहां लॉक है, और पुल करने में ही काम करेगा. ज्यादा काम क्या है, इंपॉर्टेंट काम जो है आपके आईज में फिक्स करना है, और ब्लेड को जहां डाला है उधर लॉक करने के लिए, अपर हैंड फिक्स होना, फिक्स करने के लिए आपको ये कनेक्टेड शोल्डर के साथ भी कनेक्ट होना है, बॉडी के साथ कनेक्ट होना वो बहुत जरूरी है, ये बता रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉपर लॉक इज ऑल अबाउट टॉप हैंड कंट्रोल. सेम है, प्रॉपर लॉक जो है अपर हैंड के ऊपर है, अपर हैंड कितना कंट्रोल कर पाते हो, कितना आप उसको ध्यान दे पाते हो, उसके ऊपर है, ठीक है. कनेक्टेड है, बेंच प्रेस आपको करवाते हैं, बेंच प्रेस का रीजन है, शोल्डर प्रेस करवाते हैं, क्यों, उसमें क्या होगा, कनेक्ट हो जाता है आपका डेल्टोइड्स, आपका जो आपका सेस मसल्स, ट्रापेजियस, वो सब कनेक्ट होता है, ठीक है. प्रॉपर लॉक इज ऑल अबाउट टॉप हैंड कंट्रोल, ओके. नेक्स्ट, ओसा, तो आप ध्यान रखो कितना इंपॉर्टेंट है, सेटअप कितना इंपॉर्टेंट था, टॉप हैंड जो है अपर हैंड कितना इंपॉर्टेंट है, केनो में भी अपर हैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. आप टी ग्रिप आप डालते हो, उसको फिक्स करना है, ए शेप में रखना है आपको, ब्लेड में ज्यादा ना आपका, कभी कभी खिलाड़ी क्या करते हैं, कभी कभी इतना डाल देता है कि हाथ में टच होता है, हर स्ट्रोक में कभी अंदर जाता है, कभी टच होता है, कभी टच नहीं होता है, केनो का स्ट्रोक में बता रहा हूँ. तो आपको वो कहाँ से कंट्रोल होगा, अपर हैंड से कंट्रोल होगा, ठीक है. केनो में भी ध्यान देना, रिदम, चलो ये सेशन कंप्लीट हो गया. हम जितना चाहते हैं उतना नहीं आपको बता, जितना है अभी इस वीडियो में उतना ही बता पा रहे हैं. इसके साथ साथ आपका अंदर का फीलिंग रहेगा और भी जा सकते हैं. ये एक कोर्स का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, उस तरह बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेस है वो बताते हैं. हम अब जब सीखने जाते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, या आप NIS डिप्लोमा करते हैं तो आप लोगों को बताते हैं, मगर उसको फिर प्रैक्टिकली लाना बहुत जरूरी है, अप्लाई करना, पूरा कोचेस जो है
खिलाड़ियों के साथ मिलके पूरा ये एक टीम वर्क है, ठीक है। आप जितना डेडिकेट करोगे, कोच आपको जो टास्क देगा, चलो 45 मिनट का दो पैच लगा के आ जाओ एंडोरेंस ट्रेनिंग के लिए, तो आप क्या करते हैं, थक जाते हैं तो कैसे भी मार के आ जाते हैं। नहीं, आपको उस रेटिंग के लिए बताते हैं, चलो आपको आज केनो वाले 30 स्ट्रोक 35 स्ट्रोक मेंटेन करना है आपको, और वहां तक जाके आना है। तो आप जोश जोश में थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, और थक के फिर टेक्निक वगैरह भूल के कैसे भी हमें ये कम्प्लीट करना है। टाइम के ऊपर ध्यान देते कि कितना मिनट हो गया, 45 मिनट्स रह गया, टाइम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते, टाइम इतना रह गया, है ना। नहीं तो डिस्टेंस बताते हैं, एक लेग का 4 राउंड मार के आ जाओ, नहीं तो 1 राउंड मार के आ जाओ, लेग एक कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर फोकस रहता है। ये जो आपको ड्यूरेशन देता है, या आपका आपको टाइम देता है, या जो डिस्टेंस देता है, दिस इज ओनली आपका वॉल्यूम है। आपको जो टेक्निक बार बार करना है, इस टेक्निक को एक पॉज के लिए बोल दिया, या स्लो टेक्निक के ऊपर ध्यान दे के आपको लगातार करते रहना है, चाहे वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 40-45, ठीक है, उसको लगातार आपको लगातार उसी रेजिस्टेंस के साथ, उस थका हुआ आएगा मसल में पेन आएगा, क्योंकि आपने देखा है अभी 1 मिनट या 5 मिनट विदाउट एनी रेजिस्टेंस आप स्टिक के साथ करते हो, सामने बैठ के आपको मेट्रोनोम में रिदम चला के, तो आपको कितना महसूस होता है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, मतलब आप एक ही चीज को, रेजिस्टेंस कम है, इंटेंसिटी बहुत लो है, फिर भी आप उस चीज को लगातार करेगा तो आपको मसल में कैसे महसूस हो रहा है। आप सोचो आप बहुत में रियलिटी में जाओगे और आप ये लगातार करोगे तो आपको कैसे महसूस होगा, मसल जो हर जगह जो आपको पेन आ रहा है उससे ज्यादा लोड उसको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि लगातार इसका एक ही मकसद है, आपको हायर लेवल में पहुंचना है, आपको ओलंपिक में रिलीज होना है, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई मैजिक नहीं है कि वो 1 साल में 2 साल में हो जाए। लगातार आपको एंड्योरेंस बेस है, लगातार आपको बार बार कंटिन्यू करते रहना है, ध्यान में देना है, इसको ध्यान में देना है, टेक्निक के बारे में ध्यान देना है, टेक्निक के बारे में ध्यान देना है, ठीक है, उसका इफेक्ट रहेगा। स्ट्रोक रेट वगैरह जो है लिमिटेशन है, ठीक है, हम चाह के भी स्ट्रोक रेट जो है पर मिनट 200 तक नहीं जा सकते, कया का केनो का 100 के ऊपर नहीं जाएगा पर मिनट आप रेजिस्टेंस लाएगा तो, ठीक है ना। तो आपको एक तो एक लिमिटेशन है, एक अच्छा खिलाड़ी आप इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है तो पर मिनट का जो है लिमिटेशन है अलग है, मगर कहाँ खेल होता है, स्ट्रोक का क्वालिटी के ऊपर, ठीक है, स्ट्रोक कितना आप अच्छा डाल पाते हो, उसमें कितना इफर्ट लगा के कितना आप पर मीटर आपका स्ट्रोक जो है, आपका बोट जो है आपके एक स्ट्रोक पे कितना मीटर आगे जाता है, वो क्या किसके ऊपर निर्भर होगा, अभी जो आप अभी जूनियर लेवल पे आप ट्रेन करोगे, ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करोगे, स्ट्रोक क्वालिटी के ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है, लोक के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। टाइम अभी हम प्रैक्टिकल के ऊपर जाते हैं, आपने जो आपको थोड़ा वो जो समझ में आया अभी केनो हो या कयाक हो, तो आपको अभी जो हमने पहले वर्कआउट बताया केनो का 30 स्ट्रोक पर मिनट, कयाक का 60 स्ट्रोक पर मिनट बीट के साथ आपको करना है, लगातार 12 मिनट का 2 सेट है जिसमें आपको रेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है करते हुए, आप मिनट के ऊपर नहीं, आपको फोकस यहाँ होना चाहिए कि मेरा लेग प्रेस सही जा रहा है, मेरा हिप वर्क सही हो रहा है, मेरा अपर हैंड सही नहीं है, हर बार एक ही तरह जा रहा है नहीं जा रहा है, अगर मैं एंट्री सही, मेरा एंगल सही है, साइड में तो नहीं जा रहा है, ज्यादा बोध के क्लोज आना है, कयाक में केनो में क्लोज बहुत क्लोज होता है बोध, देन मेरा स्विंग हो रहा है बॉडी, तो मेरा बॉडी वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा जो हाथ है वो सामने मेरा आईज लेवल पे स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो सब रेडी? रेडी सर। ओके सर। हाँ ठीक है, चलो अभी इनको प्रैक्टिकल थोड़ा कराइए। ओके एथलीट कम फ्रंट ऑफ योर कैमरा, सभी अपना कैमरा के सामने आ जाइए, रेडी हो जाइए फर्स्ट वार्मिंग अप के लिए। सभी एथलीट्स रेडी होके अपना कैमरा सेट कर लीजिए एक्सपोर्ट पे, आ जाइए कैमरा के सामने। तो वार्मिंग अप के लिए जाएंगे फर्स्ट। ओके सो फर्स्ट सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करेंगे हम। रेडी मेरे साथ, और मैं विसल मारूंगा, विसल में चेंज कर देना और मैं डेमोस्ट्रेट दूंगा आपके साथ। रेडी, चलो सभी एक्टिव हो जाओ, सांस लंबा लंबा लो, सांस लेना ना भूलो, कमोन कमोन कमोन। चेंज पहले मत करो, यहां जो बोलता है उसके साथ साथ करो, कोसाब को फॉलो करो।
चेंज change change okay change change concentrate karo breathing okay, mein concentration karo breathing mein dhyan do जब आप एक चीज में ध्यान दोगे तो आपका कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा. दिस इज ऑल्सो ए ट्रेनिंग. ठीक है, आपको बताते हैं सांस लो, ठीक है, मूवमेंट के ऊपर ध्यान दो. ये बेसिक मूवमेंट है. हिप फ्लेक्स, लुक फॉरवर्ड, नाउ बेंड डाउन, कीप योर नी स्ट्रेट, गो डाउन. सांस छोड़ना है इस समय, ये पोजिशन में सांस छोड़ना है ताकि आपका फ्लेक्सीबिलिटी बढ़ जाए. तो हर एक चीज को आपको ध्यान देना है. चेंज में लेके पार्ट करो, सोल्जर विद बैलेंस मिलेगा. बतक्स को टाइट करो, ग्लूट्स को टाइट करो, फ्लेक्स, उसमें आपको बैक को कमर में सपोर्ट मिलेगा. कौन करो सांस को लेट. ओके, जब हाथ को साइड में लेके आके फिर रुकना. बी एक्टिव, शेक योर हैंड्स. ओके, रेडी बोलो को साहब. नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. रेडी, मूवमेंट लेफ्ट टू राइट. ओके, चेंज साइड टू साइड. Change up and down. Eyes should be open. Close your eyes and breathe normal. Okay, change. Shoulder tension. Forward first. बहुत बढ़िया. शाबाश शाबाश शाबाश. Active रहो. Isolate करो. अलग-अलग body parts को कराया जा रहा है. उसको ध्यान दो. जब ये एक्सरसाइज कराते हैं शोल्डर का, शोल्डर के ऊपर ध्यान दो. पूरा अच्छा सा रगड़ो. फील द मसल्स अराउंड योर शोल्डर. ओके, चेंज एक्सरसाइज. देखो हर एक चीज का मतलब है. देखो, फ्लिंग योर हैंड्स, एल्बो एक्सटेंशन, क्योंकि आप लोग डायनामिक मारना है, आपको एल्बो में चोट लग सकता है. Okay, वो सब इंजरी से बचने के लिए हम लोग कराते हैं आपको. हर एक एंगल से देखो, साइड से कराया फिर सामने से. जब ऊपर करेगा लो करो उसको, एल्बो को ऊपर ले जाओ, कान तक ले जाओ, हाथ को कान तक टच करो, कान को ऊपर की तरफ ले जाओ. फील द स्ट्रेस ऑन योर रिब्स, रिब्स तक महसूस करो. नहीं तो क्या होगा, लोक नहीं होगा. आज यहाँ रिब्स के साइड में भी आपका स्ट्रेस, ये हो सकता है, इंजरी हो सकता है मसल जो है ऑब्लिक्स में. चेंज एक्सरसाइज. ओके, चेंज अदर साइड. ओके, कंटिन्यू मोमेंट मोमेंट. वेरी गुड.
आपके पास टाइम नहीं है, कम से कम आप वार्म अप के जो हेड से लेके आपके टो का जो वर्कआउट है वो करोगे तो भी आपको बॉडी को फायदा मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि आप दिन में थोड़ा सा भी टाइम मिलता है 5 मिनट 10 मिनट तो ये फुल बॉडी एक्सरसाइज करना है चाहिए। आप सूर्य नमस्कार कर लो पूरा अच्छा सा, 5 मिनट कंटिन्यू करोगे डायनामिक तो बहुत अच्छा असर मिलेगा। जो खिलाड़ी यहाँ वीडियो ऑफ कर रखा है कम से कम आप अपना वीडियो को देखते हुए कुछ अपने एक्टिविटी करने की कोशिश करें, सिंपली ना बैठे कुछ ना कुछ करो उतना ही जैसे हम बैठ रहे उस एक्टिविटी करेगा तो बॉडी को फायदा है। तो हम तो मजबूर है आपको देख के बैठा हुआ है, एक्टिविटी करना चाहिए, करो अपना प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप रेडी होके आना ठीक है, ताकि आप लोग जहाँ हो वहाँ कुछ ना कुछ करते हुए हमें भी दिखे कि किस तरह हो रहा है। चेंज रेडियल लेग थ्री टच 1 2 3 एंड अप 1 2 3 अप वन मोर टाइम 1 2 3 अप ओके स्ट्रेच फर्स्ट other side non alternate arch okay keep continue continue good very good okay sideways hip flex swing upward coordination coordination come on dekhte hi rek hona chahiye chup chap khade mat raho hip flex swing your body upwards feel the stretch on your ribs hip okay change side bend side to side other side side change okay change calf side स्विंग होते हुए लेग प्रेस भी हो रहा है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है अल्टरनेट लेग टस को, देखो ध्यान दो इसमें करते हुए। आप जो सोते सोते ये जो चीजें करोगे इसमें ध्यान दोगे तो आगे जब टेक्निक में भी आपको वही आदत मिलेगा। okay, आदत हो जाएगी एक्सरसाइज में ध्यान दो अच्छा सा सही फॉर्म में करने नॉर्मल जंपिंग स्किपिंग एक्शन रिदम रिदमिक जंपिंग रिदमिक रिदम महसूस करो फील द रिदम okay change continue continue jumping sideways देखो खिलाड़ी जितना सिंसियरली करेगा एग्जाम में उतना अच्छा हो पाएगा है ना, पढ़ाई में आप अपना इंडिविजुअल कोचिंग लेते हो इंडिविजुअल आप पढ़ते हो तो एग्जाम में और अच्छा उसका असर मिलता है, उस तरह सेम है अभी हम करा रहे हैं। इसके बाद इसको समझते हुए अपने आप ज्यादा करोगे कुछ एक्सरसाइज करोगे कंटिन्यू रखोगे तो आपको जब कंपटीशन आएगा जब एक दूसरे से आप लोग फील्ड में ग्राउंड में वाटर में जब कंपटीशन रेसिंग कोर्स में उतरोगे उसको फर्क मिलेगा। बी एक्टिव
बहुत बढ़िया को साहब, ध्यान से रखे पांव, देखो इसलिए शूज वगैरह सही पहनना जरूरी है, एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना है आपको, तो सही ढंग का प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, ठीक है। एक डीप ब्रीथ, ओके, ओके, रेडी गाइस, सभी ले आओ अपना स्टिक लेके, नी पैड लेके, सीट कवर लेके, मेगा मेगा प्रदीप, चलो चलो, नवीन बजाट एसएसबी कयाकिंग करते हैं ना, हाँ तो बैठ जाओ, स्टिक ले लो, स्टिक नहीं है तो हैंड मूवमेंट करो, सभी कंटिन्यू 12 मिनट कंटिन्यू करना है, पोजीशन संभालो, ओके। आई रिक्वेस्ट कोचेस पैनल में जितने भी कोचेस में है, अगर कोई कोई खिलाड़ी अगर गलत कर रहे हैं तो प्लीज गाइड कीजिए, मेरा प्रदीप, लीना बिजू, अमीशा प्रमोद, सेट अप योर वीडियो, ओके गाइस, 60 बीट पर मिनट में सेट कर रहा हूं, दो बीट पे कैनो वाला एक स्ट्रोक और कैक बोला बीट पे एक स्ट्रोक करेगा, जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया है, सभी रेडी है करने के लिए, और 12 मिनट कंटिन्यू रहेगा एंड्योरेंस में, ज्यादा स्पीड में नहीं करना है, रिदम को बीट को फॉलो करना है, जो बीट साउंड आ रहा है आपको मेट्रोनोम का, ओके रेडी गाइस, फर्स्ट 12 मिनट रेडी, वेरी गुड अमीशा,
Yeah, good, very good. Continue, continue, Vishav, continue.
कंटिन्यू शीतल कंटिन्यू गुड 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 सुशीला गुड रिदम में ध्यान दो वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स गोइंग या कंसेंट्रेट ऑन टेक्निक फॉर दिस स्विंग हैंड मूवमेंट आइज के बराबर रखो अपर हैंड फॉरवर्ड हैंड स्ट्रेट करो स्विंग करने से नीचे स्विंग करने से पहले फॉरवर्ड एल्बो स्ट्रेट करो सामने वाला हाथ का एल्बो सीधा रखो गुड गुड कोऑर्डिनेशन में ध्यान दो हिप स्विंग हाँ केनो वाले कैच के साथ लोअर हैंड एंड अपर हैंड एक साथ ऊपर आना है एक साथ हाँ पैदल को स्विंग करते हुए एक साथ अपर हैंड को सीधा करो एल्बो बेंड है काफी सारे लोग एल्बो बेंड है अपर हैंड को सीधा बेंड करो लास्ट वन मिनट टू गो Maintain yourself. Thirty seconds to rest. Relax, 3 minute rest, 3 minute relax, active rest, stand up, shake your legs and shake your arms. Relax, mega relax karo. Shake your arms and legs, walk around. रिलैक्स करो खड़े नहीं रहना है 3 मिनट का रेस्ट है एक जगह पे खड़े नहीं रहना है बैठे नहीं रहना है स्टैंड अप और थोड़ा वॉक कीजिए आसपास में अपने वॉक कीजिए शेक योर लेग्स एंड शेक योर आर्म्स टेक लॉन्ग ब्रीथ इनहेल एक्सहेल बॉडी को स्विंग कीजिए थोड़ा गुड वेरी गुड
relax. 2 minutes over, 1 minute to go. Drink water, one sip. थोड़ा ज्यादा पानी नहीं पीना है, एकदम पेट भर के एक दो सिप पानी पी सकते हो. गुड अमीशा. ओके 30 seconds टू गो. Fifteen seconds टू गोल्ड. एथलीट कम बैक इन योर पोजिशन, नीलिंग और सिटिंग पोजिशन. ओके सेकेंड सेट के लिए जाएंगे. सेम 12 मिनट का सेकेंड सेट है. बीट को फॉलो करना है. ओके एथलीट रेडी. मेंटेन रिदम विद बीट. Linus, Neil, Akshas, Neil, continue, keep continue.
गुड गुड कावेरी कंटिन्यू कावेरी कंटिन्यू Dynamic, dynamic, dynamic stroke maro. Something anba dynamic. Hawa mein roko, pause karo. Khiladi pause nahi kar, pause karo. Pause mein dhyan do. Swing and pause. Swing and pause. Swing and pause. Something anba pause karo. Matak tar lepo ba, hold to ba. Jaspreet. हाथ को सीधा रखो जसप्रीत सीधा रखो होल होल करो होल करो नाउ कंटिन्यू वेरी गुड केनो पार्टी एंट्री से पहले होल करो पैदल को सेट करो इमेजिन करो पानी में डाल रहे हर स्ट्रोक पानी में डाल रहे इमेजिन करो कंटिन्यू इनाम कुमार रिचर्डसन कंटिन्यू कंटिन्यू रिचर्डसन हाथ जो है ज्यादा क्लोज है थोड़ा ओपन करो ग्रिप जो है ग्रिप पकड़ रखा है रिचर्डसन रिचर्डसन ओपन योर ग्रिप लिटल मोर दीपशिका दीपशिका कंटिन्यू वैभव वांजरी बांद्रा एंड पार्टी रिदम फॉलो द रिदम पीछे वाला लड़का जो है उसको ठीक करो अगर कोई कोच है उधर साथ में जो पीछे वाला रेत सेंडो में जो लड़के है उसका मूवमेंट ठीक करो पांव को थोड़ा आगे लेके आओ फ्लैगशिप अपर हैंड भी पेन दे उसका देखो वैभव वांजरी बांद्रा आगे लीन करो केनो पार्टी साइड में लीन करो बॉडी को सोनिया सोनिया हाथ नीचे जा रहे तुरंत नीचे जा रहे आई लेवल पे मेंटेन करो अपर हैंड को वेरी गुड सिक्स मिनट्स ओवर वेरी गुड सिक्स मिनट्स मोर कीप कंटिन्यू गाइस वेरी गुड मेगा प्रदीप एंट्री से पहले पॉज करो एंट्री से पहले फॉरवर्ड रिच करके पॉज करो हाँ pause then go for catch chauba aur reach kar hip flex karo chauba hip to namjal ho karega rajesh पैदल दो एंट्री देगी लौखत पदा नखु तो थांग लो मथक ता पुल अप वर्ड मथक की दो अपर हैंड मथक थांग बखुत तो दूसरी आउन सिंगल लो बा सिंगल लो मथक ता एंट्री एग्जिट तो उड़ता है ना एग्जिट लो अगर चिंखत पदा मथक ता सिंगल अपर हैंड दो अपर हैंड हाँ पुल अप नखु तो सुख याऊं ना फुकलो कीप कंटिन्यू हाँ गुड अप अक्षत सुनील कंटिन्यू एग्जिट ता है मैंने एग्जिट ता पुल पुल ही मतुंग द
अब अपर हैंड दूसरी आंगन सिंगल लो अपने प्रोत्साहित हो हाँ यस हाँ गुड अमिषा प्रमोद कंटिन्यू करो यस होल्ड करो रिस फॉरवर्ड दोनों साइड में अमर लाइश्रम होल्ड करो फास्ट नहीं करना दो दो बीट में एक स्ट्रोक मारना है गुड लैसोन भम नेहा देवी हिप फ्लेक्स करो हाँ रिच करो और डाउन बॉडी को नीचे लेके आओ डाउन कंटिन्यू लैसराम नेहा की नाकंद ले दो पैदल तो थुमन गए खत्म तो श्री लक्ष्मी डायनामिक मूवमेंट डायनामिक धम अप स्विंग अप बीट के साथ स्विंग अप स्विंग अप स्विंग अप स्विंग अप लास्ट 3 मिनट इरोम बोरिस राइट हैंड की एल्बो तो वांगमन करे नखु तो अपर हैंड ऊपर जा रहे है सिर से ऊपर जा रहे है कोने इरोम बोरिस साई एनसी हुई लक्ष्मी बाउन रुके पैदल थोड़ा क्लोज पकड़ो सामने जो पैदलर है क्लोज द पैदल वाइट पकड़ रखा है थोड़ा सा नजदीक पकड़ो लक्ष्मी बावन के क्लिप क्लोज योर ग्रिप लिटल मोर लाइसरम नाउ कौन स्विंग योर बॉडी स्विंग करो हिप प्रेस स्विंग अप स्विंग करो ट्विस्ट करो बॉडी को ट्विस्ट करो और ट्विस्ट करो हाँ गुड हरिदास लेग प्रेस राइट लेग प्रेस कम है राइट साइड का लेग प्रेस कम है प्रेस डाउन स्विंग योर हिप ओके गुड हाँ यस मेंटेन करो नीता शिंदे बंद्रा ग्रिप को थोड़ा क्लोज पकड़ो व्हाइट बहुत ज्यादा व्हाइट पकड़ रखा है सामने जो पैदलर है लास्ट 1 मिनट क्लोज द क्लोजर द ग्रिप स्विंग करो हिप मूवमेंट करो स्विंग खाली अपर बॉडी नहीं लेग के साथ स्विंग 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 योर बॉडी हिप भी जाना है पीछे कंटिन्यू अमिषा कंटिन्यू निर्भय कंटिन्यू हाथ को हाँ पैरेलल हाथ को हॉरिजॉन्टल रखो ग्राउंड का लेवल में सेम लेवल पे फॉरवर्ड हैंड को एंट्री से कैच से पहले हॉरिजॉन्टल में रखो हाँ पुल डालने से पहले वो कैच हो गया नीचे जाने से पहले फ्लिक्स नीचे जाने से पहले हॉरिजॉन्टल रखो उसको हाँ निर्भय गुड बेटर टाइम हो गया गुड 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 सभी इंप्रूव कर रहे हैं वेरी गुड रिलैक्स स्टैंड अप वॉक अराउंड ओके वॉक अराउंड
लेफ्ट, अपने आसपास वॉक कीजिए, शेक योर आर्म एंड लेग, कुछ कुछ एथलीट्स रुक रहा है, पूरा सांस फूल रहा है, तो आपको और जरूरत है आपके ऊपर वर्क करने की। जैसे जयंत कुमार सर ने पहले बोला था सेशन में, 3 डेज अल्टरनेट कर रहे हैं हम, तो 3 डेज आपके पास है, तो उसमें आप कोई एक्टिविटी कीजिए घर में। ओके गुड, वेरी गुड। सो हम स्ट्रेचिंग पार्ट के लिए जाएंगे, बी रेडी फॉर स्ट्रेचिंग। आ जाइए सभी एथलीट्स, रेडी हो जाइए स्ट्रेचिंग के लिए। ओके शेक योर आर्म्स, रिलैक्स, रिलैक्स, बॉडी होल, बॉडी लूज, पूरा बॉडी लूज करके स्विंग करना है बॉडी को साइड से। डीप इनहेल एक्सहेल ब्रीथिंग के साथ। ओके रिलैक्स, ओके स्ट्रेच अप, और स्ट्रेच अप, कम ऑन योर टोस, डाउन, होल्ड योर टोस, रिलैक्स, ब्रीथ नॉर्मल, रिलैक्स, अपार्ट योर लेग्स, स्ट्रेच बैक, साइडवेज, चेन साइड, ओके स्ट्रेच एंड होल्ड, स्ट्रेच योर आर्म, चेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेच योर आर्म, ओके टेक थंब आल्सो, स्ट्रेच हैंड पाम अपवर्ड। चलो थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा बोरिंग रहता है, इसमें ध्यान दो, हाथ को सीधा करो, एल्बो को सीधा करो, पुल द पुल योर फिंगर्स अप, पुल टुवर्ड्स योरसेल्फ, डाउन साइड हैंड, डाउन साइड, फॉलो प्रॉपरली, एल्बो को सीधा रखो, तब फायदा होगा आपको, दर्द होगा थोड़ा सा हो। ओके स्प्रेड योर आर्म, लेग, कम ऑन अमीशा प्रमोद, कर लो कर लो, स्ट्रेस कर लो, जल्दी रिकवरी होगा, आदत डालो,
लेस Touch and hold, breathe normal, chin side. Exercise में ध्यान दो, अगर कुछ जो stressing position है आप नहीं कर पाता है, इसका मतलब है आपके उस position के लिए जो specific muscles है उसमें कमजोरी है, ठीक है? तो सबके लिए बोल रहा हूँ, ध्यान दो, जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए specially ध्यान दो, exercise के लिए ध्यान दो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ उसमें. You should be flexible in all angles. जहां जहां joint दिया हुआ है, जिस angle में मोड़ने के लिए भगवान ने दिया हुआ है, वो सब आपको backwards उसको मोड़ने के लिए, stretch करने के लिए. Keep breathing out. Concentrate on breathing out. Automatically in होगा. Breathe out longer than when you inhale. चेंज हो गया, चेंज हो गया. सम देखो, फ्लेक्स योर हिप, लुक अपवर्ड, चेंज अदर साइड, नेहा चौबे, ये स्ट्रेचिंग के बाद आपको पूछने का मौका मिलेगा. चेंज साइड. Hold your toe and pull towards your body. Change other side. Legs. Front side. Sit your leg. Front side. Okay, legs. Child pose. ओके कुछ कैनो के लिए एक्सरसाइज, जो कैनो का हमने एक्सरसाइज किया है, नीलिंग पोजीशन में हिप मैक्सिमम स्ट्रेच फॉरवर्ड, स्ट्रेच एंड होल्ड, चेंज लेग, okay, same leg outside, stretch inner thigh, change leg, stretch. Next, change exercise, one leg front, hold your back foot, change leg,
सही प्लेटफॉर्म यूज करना है आपको, नीचे ऊपर आएगा उसमें, ठीक है, अपने उसके हिसाब से करो, नहीं होता मत करो उसमें। चेंज एक्सरसाइज फ्रंट लेग स्ट्रेट, बैक लेग में बैठे, किसी का एंकल पेन है तो नहीं करना है, नी पेन नहीं करना है, shake your legs, both legs straight, stretch up, take long breath, inhale, down. सांस हो रो, नीचे जाते हुए सांस हो रो, एक्सेल में थोड़ा सा इनहेल करो, ज्यादा एक्सेल करो, फॉल करो उस पोजिशन में, कीप योर नी स्ट्रेट, कुदना डाउन, लेग्स, ओके, वन लेग फोल्ड इनसाइड, सेम लुक, स्ट्रेच अप, लॉन्ग ब्रीथ, डाउन एंड रिलीज योर ब्रीथ। Stretch your legs. Stretch up. Take long breath. Down. Release your breath. Legs. Okay. Legs. Side. अपर बॉडी वहीं रहेगा स्ट्रेट, ओनली हिप से ट्विस्ट करना है, दोनों लेग्स एक साइड में, दोनों नी डाउन टच, चेंज अदर साइड, ओके, स्ट्रेट लेग, right arm inside, left arm releases your head and hold your toe, breathe in your leg, change other side, slowly stand up, relax. Okay, so हमारा stretching का part complete हुआ. So I hand over mic to Mr. Jayanta Kumar Singh to expert. Jayanta sir. Yes, Kosab. Thank you. और boys and girls, you have done very well. आज काफी improvement दिखाई दिया करते समय भी, rhythm, आपका style, सबका अपने ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश किया, दिखाई दे रहा था आपका मेहनत, और आज हमें लग रहा था कि ये सेशन कम है, ठीक है, क्योंकि आप और ज्यादा आपके पास एनर्जी बचा हुआ है, हर एक सेशन के 12-12 मिनट ही इसलिए करवाए, आप लोग ये सब इवनिंग को भी कर सकते हो, हम तीन बार ही करा रहे हफ्ते में, तो ऑल्टरनेटली आप लंबे समय के लिए 40-45 मिनट एक रिदम सेट करके पेडलिंग कर सकते हो, ठीक है, आपके स्प्रिंट के आया हुआ है ये, इसमें आपका आपको जो लगता है वंडरफुल एक्सेलेंट वेरी गुड गुड, उसमें से एक क्लिक करके आप भेज दीजिए, मेरा स्क्रीन तो स्टक हो गया है कि आप लोगों का प्रॉब्लम है कि क्या है पता नहीं, मेरा स्क्रीन इसी में स्टक हो गया, वंडरफुल इसमें किसमें अब टच कर दो जाएगा, कौन सा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपका स्क्रीन जो है वही लॉक हो गया,
कोई बात नहीं, ठीक है खिलाड़ी, ध्यान दो जो आप कर रहे हो वो ज्यादा समय, लंबे समय तक करना है। रिदम के ऊपर ध्यान दो, ज्यादा फास्ट मत जाओ, इससे हो सके तो और स्लो हो जाओ कोई बात नहीं, मगर आप अपने मूवमेंट जो है आपको हर एक पोजीशन में, जो पोजीशन चाहे केनो हो या कयाग हो, जो आपके कोचेस बताते हैं उस तरह लगातार एक एक दिन का जो इंस्ट्रक्शन हर दिन बताते हैं कि हाँ आपका हाथ ज्यादा क्रॉस हो रहा था, आपका हाथ पहले एग्जिट हो रहा था, जो कोचेस आपको एडवाइस देते हैं आप याद करो, जब आप पेडलिंग कर रहे थे तो आपके कोचेस ने बोला होगा, तो उसको याद करते हुए आप करेक्शन करो अपना, ठीक है अपना करेक्शन करो, और करेक्शन करके उसको लगातार एक ही रिदम में करने की कोशिश करो। आपके पास वीडियो है, आई अप्रिशिएट जितने भी यहाँ ऑनलाइन है उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप ये वीडियो जो है कंटिन्यू लॉग इन करके आप लोग देख रहे हो, ठीक है इसमें आपका डाटा भी जाता होगा, आपका पूरा नेटवर्क भी सही जगह पे होना है। बहुत सारे एथलीट ऐसे होंगे जिसके पास मोबाइल अच्छा वाला नहीं होगा, डाटा नहीं होगा या नेटवर्क सही नहीं होगा, ठीक है तो कोई बात नहीं, जो मिस हो गए उनको हम ये बोलेंगे, ये आपको बता दो कि ये रिकॉर्डिंग है, लाइव फेसबुक में भी है और यूट्यूब में भी रहता है, अगर मिस भी हो जाता है तो वो हिस्सा आप देख ले, टाइम निकाल के थोड़ा देख ले, क्योंकि हम अभी जो ज्यादा हम हिंदी में बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है और उसको आप देखते हुए अपने आपको फिर आप एनालाइज कर सकते हो, आप जहाँ जो पार्टिसिपेंट है आपका वीडियोस भी उसी में आप लॉग इन करके देखें, हमारे जो यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसको देख के बार बार करेक्शन करते रहे, ठीक है खिलाड़ी जब तक पैदल है आपको इम्प्रूवमेंट के लिए आपको स्कोप है। और कोई पूछना चाहते हैं, नेहा शोभे आप पूछ सकते हो इस बारे में, नेहा शोभे आपने हैंड राइज कर रखा है, नेहा शोभे को अनम्यूट कीजिए प्लीज। कर दिया सर। नेहा शोभे बोलिए क्या कहना है, हाईलाइट कीजिए इन खिलाड़ी को। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बताइए सर, जब हम बैठते हैं तो बोर्ड में बैठते हैं तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, अब इस तरह शैडो करते हैं नॉर्मल तो बॉडी सही रहता है, बोर्ड में टेढ़ा क्यों हो जाते हैं, किस रीजन क्या है इसका? आप कैनो में हो कयाक में हो? कयाक में। हाँ तो बोर्ड में क्या है, बैलेंस की जरूरत है, ठीक है बैलेंस की जरूरत है, फिर आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, पहले क्या है बॉडी पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत तो इस तरह बनाया हुआ है कि उनका बाउंसी जो है आप लेफ्ट में भी न गिरे राइट में भी गिरे, स्टेबल रहने के लिए बताया हुआ है, जब आप कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट उस पे आता है तो अकॉर्डिंग टू हमारा बॉडी का साइज, ठीक है हम कहाँ खड़ा होता है, हमारा हम बॉड को कहाँ बॉड के सेंटर में है या ज्यादा पीछे चले गए, या अगर केनो में है तो लेफ्ट में नीपे ज्यादा रखा है राइट में रखा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। एज आप कया खिलाड़ी हो तो आपका सीट जो है फिक्स रहता है, ठीक है आपको सेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, गलती आपको कहाँ हो सकता है आप अपने आपको पोस्चर को चेक करो, हो सकता है आपका जो लेग है, ठीक है लेग जो है हर किसी का हाथ और लेग जो है तो इक्वल नहीं रहता, ठीक है तो आपका एक साइड लंबा होगा, हमारा भी होता है, ठीक है एक साइड कौन सा लंबा है देखो आपका, और आपके बतक्स देखो, बतक्स जो है बतक्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है जब आप एक साइड में कहीं वॉक करते हो, अभी आप खिलाड़ी हो तो मसल्स जो है इक्वल डेवलप नहीं होगा तो आपका बॉडी, अब बैठते समय क्या होगा एक साइड आपका बॉडी वेट जाएगा, समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ वो देखना है, देन आपका शोल्डर का विड्थ भी बढ़ाना है, एक्सरसाइज करते हुए शोल्डर जितना आप बड़ा करोगे तो बड़ा रहेगा, जिसका वाइट है वो स्टेबल रहता है बॉडी में, ठीक है एक साइड तैरा होने का ये हो सकता है कि आपका आप फुटरेस में सही ढंग से नहीं रख रहे हो, या मैंने जो बताया सबसे पहले हो सकता है आपका लेग जो है इक्वल नहीं होगा, ठीक है वो सब देखना है, वो करेक्शन कर सकता है, उसका भी करेक्शन करने का तरीका है, तो मुझे उतना पता नहीं है कि आपका क्या स्ट्रक्चर है, आप कैसे बैठते हो, या वीडियो वगैरह शॉर्ट 10 सेकंड का क्लिक करके भेजिए, ठीक है yes. हाँ तो हम बता पाएंगे, पर्सनल नंबर भेज देना या अंग्रेज को आपको भेजो या अपने कोच को भेज दीजिए, बात कीजिए तो आप बता देगा आपको, ठीक है yes, sir. Thank you so much, sir. Okay. Thank you. Okay, विलास बोरकर। Thank you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, एक ही माइक्रोफोन ऑन करो, आवाज के बारे में बताएं। हेलो जी विलास बोलिए सर, डाइट के बारे में बताएगा, डाइट प्लान।
ओके खिलाड़ी का दाई के हिसाब से हाँ अच्छा आपको वेट बढ़ाना है क्या करना है एंडोरेंस बढ़ाना है आपका सर, क्या प्लान है क्या चाहते हो आप वेट बढ़ाना है वेट सॉरी सर जी मैडम सर न्यूट्रिशन का एक स्पेशल अपना सेशन है ऑन 8th of August ओके सुन रहे हैं बहुत स्पेशल काइकिंग कैनोइंग एथलीट्स के लिए न्यूट्रिशन डाइट सारा रिकमेंडेशंस वो एक सेशन हमने अलग से रखा हुआ है पूरा मतलब अगर ये आप बता सकते हाँ ठीक है सुन लिया खिलाड़ी सुन लिया ना आए अगस्त को 8 अगस्त को हम लोगों ने न्यूट्रिशन का ही पूरा एक सेशन रखा है उस दिन वर्कआउट नहीं होगा सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर राउंड है ओके मैम ओके जो भी आपकी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन हो आप वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे वो आपसे बात करेंगे ठीक है थैंक यू मैम ठीक है बोला मैं बता सकता हूँ टाइम कम है ठीक है कोई बात नहीं मैडम ने बता दिया उस दिन पूछ लेना ठीक है डाइट प्लान के बारे में जरूर आप उस दिन स्पेशल पूरा उसी की न्यूट्रिशन के बारे में होगा ओके नेक्स्ट कोई है कोई पूछना चाहता है हाथ हैंड राइज करे स्क्रीन में दिखा दे नहीं तो स्क्रीन में हाथ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो स्क्रीन में हाथ ही दिखा दो नहीं तो सिंबल भेज दो किसी को कुछ पूछना है कोई भी भाषा में मलयालम में मणिपुरी में तेलुगु में सुशीला चानू ने पूछना है कुछ जी सुशीला बोलिए पंजाबी में पूछ सकते हैं आप कोई भी भाषा में पूछ सकते हैं पता नहीं है तो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर ये मैं पूछना चाहती हूँ हम लोग का एक हफ्ता में सिर्फ 3 बार हो रहा है हम लोग का प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं हो सकता क्या सर कंटिन्यू हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है मगर आप लोग भी तो आना चाहिए अभी ये 3 बार हो रहा है इसमें भी कोई आता नहीं है 1,000-5,000 खिलाड़ी खेलते हैं और इसमें 100 लोग ही आते हैं है ना हाँ सर तो ये है इस वजह से बोलो आपके खिलाड़ी आप पार्टिसिपेशन बढ़ाओ हम कंटिन्यू रखेंगे डेली कराएंगे ठीक है 500 से ज्यादा पूरा आपको अगर डेली आप वर्कआउट फॉलो कर सकते हो यूट्यूब चैनल है ACP काइकिंग एंड कैनोइंग ACEP काइकिंग एंड कैनोइंग आप वहां जाके मतलब जो वर्कआउट ऑलरेडी हो चुका है आप उसमें से कोई भी मतलब जो अल्टरनेट डेज हम लोग करते हैं जिस दिन नहीं होता आप वहां से कोई भी वर्कआउट लेके वो फॉलो कर सकते हो जी मैम ठीक है ओके मैम ओके थैंक यू मैम ठीक है किसी और किसी को पूछना है टाइम कम है फटाफट पूछिए फटाफट बताइए सात बजे से 9 बजने वाला है 2 घंटा हो गया अमन सब सब को सब कुछ बोल रहे थे बोलिए ओके सर मैं बोल रहा था एथलीट्स को कि अगर कोई आपको ट्रेनिंग के बारे में तो आप अपने कोच से भी रिकमेंड कर सकते हो बात कर सकते हो अपने कोच से कंसल्ट कर सकते हो कि सर हम कौन सा ट्रेनिंग करना है अल्टरनेट डेज में जैसे सुशीला चानू के कोच कौन है तो आप उनसे पूछ सकते हो हाँ बिल्कुल सही बोला है बच्चों देखो मैं इसमें आज ये रखना चाहूंगा जो हम अभी कोचिंग चला रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग या एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं हम बिल्कुल इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप इस कोचिंग को देख के या 3 हफ्ते में 3 सेशन करके आप नेशनल मेडलिस्ट बन जाओगे या ओलंपियन बन जाओगे ठीक है ये आपको एक नॉलेज दिया गया है जो आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस है 10-15 साल जब आप पेडलिंग करोगे आगे तो इस नॉलेज को लेके कंटिन्यू करते रहे तब जाके पहुंचेगा ठीक है हमें पता है कि आपके कोचेस डेली 365 डेज देखते हुए आपने भी मेहनत डाल के हर सेंटर पे प्रैक्टिकल बोर्ड चला के जिम में जाके रनिंग करके आपका परफॉर्मेंस कहा कौन सा लेवल पे है इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कैकिंग कैनोइंग आज तक ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया ठीक है ये कोई खास नहीं है इससे भी ज्यादा आपके कोचेस करा रखे हैं मगर क्या होता है क्वालिफाई नहीं कर पाए क्यों रीजन है तो आपको कंटिन्यू इफोर्ट रखना है ठीक है जैसे सुशीला ने बताया कि 3 और बढ़ाना है इसका मतलब ये करने का मन है लगातार साथ में करने का मन है वो आप प्रैक्टिकली आपके कोचेस के साथ जुड़ के आप कंटिन्यू रखें इस वीडियो के थ्रू हो नहीं पाएगा वैसे भी 1 घंटे का है आपके इंटरेस्ट को देखते हुए हम 2 घंटा बढ़ा रहे हैं
टाइमिंग है 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। तो ये खुद में एक जुनून पैदा करो और कंटिन्यू करना है, करना ही है। तो एक कमरे के अंदर भी बहुत कुछ कर सकते हो, जब पेडलिंग शुरू होगा तब देखा जाएगा। पेडलिंग के लिए जो क्वालिटी है जरूरी है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, वो सब जो है अभी रहते हुए, टाइम रहते हुए, सुबह शाम दोपहर आप करो, अपना पागल बन जाओ अगर कुछ बनना है तो, कुछ हासिल करना है तो, ठीक है। अभी 20 में भी बहुत कुछ करेक्शन के लिए सोचा था, जब वर्कआउट में बता रहा था तो काफी सारे कुछ मिस हो गया था। तो हम सब कुछ एक ही दिन में नहीं बता सकते, जितना हम आपको करेक्शन कर रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मैं आप भी अपना योगदान दो और हम भी अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस मैं ये आज ये कह के कंक्लूड करना चाहूंगा आगे सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, प्लीज कैरी फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर एम वेंकटेश्वर रेड्डी, आवर डायरेक्टर एंड सीईओ एलएफपी, फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। Expert coaches from Sports Institute of India and IKCA, and senior coaches from all over India, and diploma trainees, parents, and athletes from all over India, ladies and gentlemen. Khelo India e-Pathshala Athlete Coaching and Education Program is jointly organized by Sports Institute of India and Indian Kayaking and Canoeing Association, hosted by National Center of Excellency, Alappi. This is the initiative by our DG Sai, Mr. Sandeep Pradhanji. This online ACP been created to train the athletes uniformly all over India with the best practices and the latest techniques in the sport. The program is aimed at the intermediate level. This program is supervised by our panel of experts from Sports Institute of India and IKCA, and this program is available online through Facebook as well as YouTube. You can refer to the previous classes also, and you can make use of it. And as it's a very encouraging situation that you people are asking for the continuous classes, that we are aimed to do it also. Earlier we have done it, and just to convenient to make the convenient of our participants to take all of them in bundle, like not individual. Some people are able to do and some people requires rest and recovery. So in that point of view, it has been split into 3 days a week. And some of the senior most athletes also there in this program. So they can continue this by taking the advice of their coaches and follow their program also. And if you have any choice in this also, you can choose the video of the previous videos and you can train yourself. So this is the thing that what we want to convey it, and actually to say, and as it is increasing and people are asking for a continuation, it's good, but all the participants are not equal. So some will be having a nutrition problem, some will be having a endurance problem. So in that point of view, it has 3 days. Okay, and this program attended any schools, clubs, academies, and state athletes, district association athletes. It is free for all to give the advanced skills at the grassroots level and intermediate level in India. And today's chief guest, Mahesh Vishwakarma, chief coach, Central Water Sports Team, SSB, Academy of Bhopal, and ITO and NTO of IKCA. He has given a very good motivation to our athletes to train themselves in this COVID-19 situation, who are all staying at home, but they have to keep during this period so that they will be enough to
compete in international and national competitions in the coming days, and to avoid their boredom at house, and as well to keep themselves fit all the through the time. And he also highlighted that the benefits of online program, and he was also comparing it the importance of the program, saying that this sort of education program was not there, this sort of knowledge was not shared before 10 years also. So this is a very good opportunity for you people, and this is the best use for everybody of you. And thank you, sir, for being with us, and thank you for your good motivational words to the athletes who has participated here. Thank you, sir. I also thank our expert coach, Mr. L. Jain Singh, ICF ITO Level 3 coach, and chief coach, master of chief petty officer, Indian Navy. And he has given a very good information on kayak paddling technique and canoe technique, and managing of top hand, rotate around the body, paddle by movement and locking, stay and movement, upward, forward, push and pull. And this all information has been explained through videos and quoting to the examples of Olympic medalists. It's a very good motivational thing that he has done, and it's a good advice he has given by observing online and as well as guiding them to keep their posture correctly. Thank you, sir, for being with us and guiding our athletes in this program. Thank you, sir. I also thank our lead coach, Mr. Angrej Singh. Due to COVID situation and lockdown position at LAP, we are not able to bring our athletes for practice or show demo here, but he has managed to do himself. This is a best example for all the coaches to keep themselves fit and show to the athletes. This is a good motivation to athletes also, and as well to keep themselves fit and to keep update themselves. He has given a good demonstration of warming up and cooling down also, and as well he has guided in doing the main endurance program. And thank you, Angrej Singh ji, for your good demonstration, you, and managing on online and guiding athletes online, and your demo athletes also done well, Ms. Mega Pradeep and Achaya Sunil. They have done well, and they also shown their skills, and they are all the participants also actually participated in this. Thank you for this. And I also thank our regional director, Sports Authority of India, LNCP, Dr. Kishorji, for guiding us in this program. I also thank our program head, Mr. Sajit Amas, Arjun Awadi, coach NCOELP, and I also thank our program director, Mr. Sajit Kumar, Asian medalist coach and of our NCOELP. I also thank our Sports Authority of India and IKCA officials and the panel of experts, HPD and HPMs, who are supervising this program all through. And I also thank the participants from Regional Center Bhopal, Alappi, Lucknow, Kolkata, Port Blair, AP, Telangana, Punjab, Kerala, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Jammu, Kashmir, Assam, Madhya Pradesh, Manipur, Andaman and Nicobar Islands, and rest of India. I also thank, special thanks to the people from participating in group from Badra, Nagpur, and I also thank our parents who are been more motivational force behind our athletes who are participating. And I also thank our anchor, Dr. Kiran Singh ji, who is coordinating this program to conduct successfully. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. Now we are signing off for today. We will meet you on Saturday.
Thank you so much, everyone. Stay safe, stay home. Thank you.